हमीरपुर के बड़ू खेल मैदान में विधायक आशीष शर्मा द्वारा विभागों की क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। इस क्रिकेट प्रतियोगिता में एनआईटी विभाग के कर्मचारी और पीडब्ल्यूडी विभाग के कर्मचारी हिस्सा ले रहे हैं। वहीं हमीरपुर सदर के विधायक आशीष शर्मा ने बताया कि हमीरपुर के बड़ू मैदान में विभागों की क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया है, जिसमें एनआईटी हमीरपुर और लोक निर्माण विभाग के 15 वर्ष से लेकर 35 वर्ष तक के युवा हिस्सा ले रहे हैं। वहीं हमीरपुर के विधायक आशीष शर्मा ने प्रदेश में सरकार द्वारा डिनोटिफाइड किए गए कॉलेजों को लेकर कहा कि सरकार द्वारा पहले इन कॉलेजों के लिए बजट का प्रावधान किया जाएगा, उसके बाद लोगों की आवश्यकता के अनुसार कॉलेजों को फिर से खोला जाएगा। वहीं हमीरपुर के विधायक आशीष शर्मा ने बजट को लेकर बताया कि हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र के विकास के जो मुद्दे हैं मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ साझा किए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि उन कार्यों को आने वाले बजट में प्रावधान किया जाएगा। वहीं हमीरपुर के विधायक आशीष शर्मा ने बजट को लेकर बताया कि हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र के विकास के जो मुद्दे हैं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ साझा किए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि उन कार्यों के लिए आने वाले बजट में प्रावधान किया जाएगा। यहाँ पे आज बड़ू में डिपार्टमेंट प्रीमियर लीग का शुभारंभ किया, जिसमें कि हमीरपुर के आज यहाँ पे पीडब्ल्यूडी और एनआईटी हमीरपुर का मैच है। इन्होंने एज ए चीफ गेस्ट मुझे यहाँ पे बुलाया गया था और यहाँ पे आया हूँ, खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी और सीनियर खिलाड़ी हैं। मुझे बताया गया कि 35 से 50 तक के जो एज के खिलाड़ी हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। देखिए, मैंने पहले भी जो अपने क्षेत्र के मुद्दे हैं माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष उठाए हैं और उन्होंने आश्वासन और विश्वास भी दिया है कि इस बजट में उसका प्रावधान भी किया जाएगा बजट का। और जो स्थानीय मुद्दे, जैसे हमारा जो बस स्टैंड का मुद्दा है, उसका भी जब लास्ट टाइम यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे तो उन्होंने विश्वास दिया था कि इसका काम शुरू किया जाएगा, तो इस बजट में उसका भी बजट का प्रावधान करके काम को इस नए वित्तीय वर्ष में शुरू किया जाएगा। बाकी और भी जो, जैसे हमारे कई जगह रोड्स नहीं हैं, उसको भी उसके लिए भी बजट का प्रावधान किया जाएगा। कहीं वाटर सप्लाई स्कीम्स हैं, हमीरपुर में सीवरेज की प्रॉब्लम है, उन सबको मैंने रखा है उनके समक्ष और मुझे उम्मीद भी है, विश्वास भी है कि वो सब किया जाएगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी भी आजकल बजट के ही इस उद्देश्य से बिजी हैं और मुझे लगता है कि इस बार का जो बजट है वो बहुत ही ऐतिहासिक बजट होगा और आम जन के लिए ये बजट होगा। देखिए, काफ़ी कॉलेजेस डिनोटिफाई हुए हैं अभी, हालांकि माननीय मुख्यमंत्री जी के इलाके का भी आपने देखा होगा, उसमें गलोड़ का भी जो कॉलेज है उसको डिनोटिफाई किया गया है, क्योंकि उन्होंने पहले भी ये बात कही है कि जब तक स्टाफ बिल्डिंग का प्रावधान नहीं होगा और बजट का प्रावधान नहीं होगा तो हम ये कॉलेजेस नहीं खोल पाएंगे। और जिस तरह से सरकार ने अपनी जो स्थिति, आर्थिक स्थिति है, उसको जनता के समक्ष रखा है पिछले 3 महीनों से कि आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो इसी आधार पे उन्होंने ये डीनोटिफाई किए हैं। और आने वाले समय में जब बजट भी होगा और स्थिति जो है, आर्थिक स्थिति वो ठीक हो जाएगी सरकार की, तो मुझे लगेगा जब जरूरत होगी तो उसको खोला जाएगा।